सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बड़े होंगे। एक और लूट वीडियो, एक ऐसा लूट वीडियो आज बताऊंगा, आप लोग लूट लूट के थक जाओगे, पूरा भर के लूट होने वाला है। बस इस वीडियो को देखो, वॉच करो, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन मैं बहुत इजीली तरीके से आपको समझा दूंगा। एंड बहुत मैं आपको पहले बताया, एक ऐसा लूट इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग लूट लूट के थक जाओगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आप स्किप करोगे, इस वीडियो को अगर आप स्किप करके देखोगे, तब आप फंस जाओगे, बहुत बड़ा लूट हो सकता है। लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो, प्लीज लाइक के साथ कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के साथ बरकरार रखो। आज इसी दिन पे दो से तीन और वीडियो आएगा। बस अब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सपोर्ट करो। चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सिंपल सा लूट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टीचमेंट एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। टीचमेंट बेसिकली ये एप्लीकेशन टीचर एंड स्टूडेंट लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका एक ट्रिक आप भरपूर लूट सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस क्लिक करो, आप आ जाओगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल वगैरह कर लो। तो जैसे ही आप इंस्टॉल वगैरह कर लोगे, इसका आईडी बनाने के लिए बताएगा। मैं आपको पहले बता, इस वीडियो को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्किप मत करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जिस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, उसी स्टेप बाय स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। आईडी वगैरह बनाने के लिए बताएगा सिंपल सा मोबाइल नंबर। पहले एक अच्छा सबका रियल वाला मोबाइल नंबर दे दो, क्योंकि इसी आईडी के थ्रू आप लोग अनलिमिटेड ट्रिक यूज करोगे। तो पहले आपका मोबाइल नंबर दे दो, उसमें आएगा ओटीपी, उसको फिलअप कर दो। फिलअप करने के बाद आपको पूछा जाएगा, मतलब कि आप एक टीचर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, इस आईडी को आप किस लिए बनाओगे? कि आप टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट आईडी जेन्युइनली आप टीचर बनाना, क्योंकि आप खुद टीचर हो, ठीक है? तो टीचर में क्लिक कर देना। आप कहाँ का टीचर हो, मतलब कि आप कॉलेज का टीचर हो या स्कूल का, ये सब थोड़ा सा सिलेक्ट कर देना। एंड 10+ यहाँ पर से जो एग्जाम्पल देखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर से लिखने के लिए बता रहा है 10+, मतलब एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, वही लिख देना। एंड यहाँ पर से कॉलेज, मैथ, मैथमेटिक्स, किसी का भी अगर आप टीचर हो, सिंपल से वही फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद कैसे बूम, एक टीचर का आईडी आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। अब अनलिमिटेड ट्रिक क्या है? अनलिमिटेड ट्रिक बताने से पहले एक और आईडी आपको बना लेना होगा, एंड इसी तरीके से आप लोग अनलिमिटेड ट्रिक को यूज कर पाओगे। सो चलो मैं एक डिवाइस पे, इसी वाला डिवाइस पे एक और आईडी बना लेता हूँ। सिंपल सा मैं आ जाता हूँ ऐप क्लोनर पे। मैं टेलीग्राम का आपको पैसा ले ऐप क्लोनर का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे आओ, ऐप क्लोनर को डाउनलोड कर लो। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ऐप क्लोनर का लिंक दे दूंगा। सिंपल से ऐप क्लोनर पे आ जाओ, इसी वाला एप्लीकेशन को क्लोन कर लो। इधर उधर चेंज करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, इसका क्लियर डाटा करके भी कर सकते हो, या फिर दो मल्टीपेज पैरेलल पेज, जो भी मतलब कि जो एप्लीकेशन क्लोन बनाता है, सिंपल सा वही एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। एंड इसे क्लोन बना लो, क्लोन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सेम टू सेम तरीके से जैसे आईडी बनाया, उसी तरीके से आईडी मत बनाओ। आपको पहले एक आईडी, आपको सिंपल सा एक आईडी सिंपल सा टीचर का बना लेना होगा, एंड बाकी सारे का सारे आईडी आपका बनेगा स्टूडेंट का। मोबाइल नंबर दे दो, आएगा ओटी फिलअप कर दो, सिंपल सा स्टूडेंट सिलेक्ट कर लो। तो आपसे दो आईडी आपके सामने बनेगी, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का। टीचर का आईडी थोड़ा सा क्रिटिकल है, बाकी वगैरह बहुत कुछ है, एंड स्टूडेंट का आईडी एकदम सिंपल है। सो पहले आप आ जाओ टीचर वाला आईडी पे, पहले आप आओ टीचर वाला आईडी पे। टीचर वाला आईडी पे ऊपर पे आपको कोड दिखा जाएगा, मतलब कि इसी कोड के थ्रू कोई सा स्टूडेंट आता है, इसी कोड को सिंपल सा डालना होगा। एंड अगर इधर से आप अप्रूव करते हो, तो आप दोनों मतलब कि एक तरीके से चैट वगैरह ये सब वीडियो कॉल वगैरह कर पाओगे, ठीक है? मतलब कि जो भी पढ़ाई होगा, टीचर जो भी बताएगा, वो सब कुछ सुन पाएगा। तो लेकिन इसको मैं हटा देता हूँ, पहले देखो ऊपर आपका एक आईडी, यूनिक आईडी मिलेगा, एंड नीचे फीस करके एक ऑप्शन रहेगा, सिंपल सा फीस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई आईडी आपको ऐड करने के लिए बताएगा, तो सिंपल सा यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हो। फिर अगर आपके पास बैंक डिटेल्स है तो बैंक अकाउंट दे सकते हो। इन सबसे बेस्ट आपका यूपीआई आईडी, तो कोई सा भी यूपीआई आईडी दे दो। सिंपल से देखो, पहले स्टेप बाय स्टेप समझो, कोई सा भी यूपीआई आईडी दे दो, उसके बाद बैक कर लो। बैक करने के बाद आपको टीचर वाला आईडी के ऊपर पे कोड नजर आएगा होम पेज में। नीचे देखो ऐड स्टूडेंट, ओके, आपको होम पेज नीचे ऐड स्टूडेंट छोटा करके लिखा रहेगा, ऐड स्टूडेंट, इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद पहले तो आपने यूपीआई आईडी ऐड कर लियो, तो अभी आपको फीस करने का कोई जरूरत नहीं। सिंपल से ऊपर का जो कोड है, इस कोड को कॉपी कर लो, छोटा सा कोड नजर आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है? उसके बाद पहले आपके टीचर आईडी पे कोड को कॉपी कर लो। कोड को कॉपी करने के बाद आप आ जाओ स्टूडेंट आईडी पे। स्टूडेंट आईडी पे आने के बाद इधर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, इसमें सिंपल सा लिखा रहेगा, बस आप कोई सा भी कोड को पेस्ट कर सकते हो, एंड आप क्लास रूम पे ज्वाइन हो सकते हो। सिंपल सा आपका जो कोड है, इसको पेस्ट कर दो, लेकिन इतना बड़ा कोड आ जाएगा, बस इधर सारे के सर हटा देना, इधर सारे के सर हटा देना। मूल जो आपका कोड है, मतलब कि 8 से लेकर मेरे देखो स्टार्ट होता है एंड 4 में खत्म होता है, तो इधर 8 सारे सर हटा देता हूँ, इधर 4 सारे सर हटा देता हूँ, एंड उसके बाद एनरोल पे क्लिक कर देता हूँ। एंड ऊपर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब कि आपका एक ही मेरा डिवाइस है ना, तो एक ही डिवाइस में सारे सर नोटिफिकेशन मेरा आ रहा है। टीचर वाला आईडी पे मेरा नोटिफिकेशन आ गया, जो इस बंदा मतलब
पेटीएम का आपके थ्रू रेफर कोड सक्सेसफुल हो गया, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने से पहले जो नाम मैंने स्टूडेंट का आईडी पे डाला था वही नाम आ गया। मैंने पहला जो अपना टीचर वाला आईडी था उस अमित का नाम पे बनाया, जो मेरे स्टूडेंट का आईडी था वो मैं अमित का नाम पे बनाया था। तो यहाँ पर से देखो आ गया है, जो अमित करके एक बंदा है इससे ज्वाइन हो रहा है, क्या इसको आप अप्रूव करना चाहोगे? तो सिंपल से टिक पर क्लिक कर देना। टिक पर क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे डिटेल्स आ जाएगा। मिडिल पे छोटा सा डिटेल्स रहेगा फीस का, तो सिंपल से फीस पे क्लिक करना। फीस पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा अमाउंट देना ताकि आपको स्केच कार्ड मिले। आपको 500 या 500 से ज्यादा कुछ भी अमाउंट दे सकते हो, किसी भी जगह से जैसे पे करोगे आपको स्केच कार्ड मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग अनलिमिटेड स्केच कार्ड अर्न कर सकते हो। याद रखना आपको 500 या 500 से आपको ज्यादा ही देना होगा। एंड इसमें एक और ऑफर चल रहा है, अगर आप मोबीक्विक वॉलेट से पे करते हो तो मोबीक्विक में एक प्रोमो कोड है, इसका नाम है MBK500 MBK500। इस प्रोमो कोड को अगर आप लगाते हो तो आपको 50 रुपीज का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। लेकिन कल रात को जब मैंने इसको ट्राई कर रहा था ये वाला प्रोमो कोड लग ही नहीं रहा था, इसको मैं हटा देता। अब चाहो तो एक बार यूज कर से तो देख सकते हो, अगर ये वाला ट्रिक वर्क कर जाएगा तब आपको 50 एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं तो सिंपल से आपको स्केच कार्ड में ही खुश रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो पैसे भी मेरा मोबीक्विक वॉलेट में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था, 1000 कितना रुपीज पड़ा हुआ था। चलो मैं टीचर वाला आईडी पे कितना रुपीज 1040 है, जो भी अमाउंट 500 से ऊपर 510 20 50 थोड़े कुछ भी दे सकते हो, मैं 1000 कितना रुपीज दे देता हूँ। ऊपर में आप लोग देख सकते हो मेरा स्टूडेंट वाला आईडी पे या फिर से बता रहा है जो इतना आपका फीस बाकी है। तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, पे का ऑप्शन आ जाएगा। अब स्टूडेंट वाला आईडी पे जैसे ही पे करोगे आप जो यूपीआई डाले थे इंस्टेंट आपका यूपीआई में घुस जाएगा। सिंपल से पे में क्लिक करता हूँ एंड आपको गेटवे आपके सामने आ जाएगा। गेटवे आने के बाद किसी भी जगह पे थ्रू पे कर सकते हो, किसी भी जगह पे थ्रू। मैं आपको पहले बताया अगर मोबीक्विक का MBK500 प्रोमो कोड यूज होता है तब जिस मोबीक्विक वॉलेट से आप पे करोगे उसमें आपको 50 एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। लेकिन कल रात मैंने इसको ट्राई कर रहा था, ये वर्किंग नहीं कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग मत भी करने दो। आप किसी भी जगह से यहाँ पर से जो भी आप रिक्वेस्ट भेजो 500 से ऊपर जो भी रिक्वेस्ट भेजो उसको पे कर दो। तो सिंपल सा देखो यहाँ पर से मैं मोबीक्विक वॉलेट के थ्रू ही पे कर देता हूँ। एंड जैसे पे किया इंस्टेंट, मतलब कि इधर से पे करोगे एंड इधर से सारे के सारे अमाउंट जो यूपीआई मैंने डाला था इंस्टेंट घुस जाएगा। एंड मेरे यूपीआई में सारे के सारे पैसा घुस गया एंड यहाँ पर से एकदम कोने पे आ जाता हूँ। आने के बाद टीचर वाला आईडी पे, टीचर वाला स्टूडेंट वाला आईडी पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, टीचर वाला आईडी पे देख सकते हो गाइस, बूम, एक स्केच कार्ड मेरे को मिल गया। एंड इसी तरीके से आप लोग अनलिमिटेड स्केच कार्ड अर्न कर सकते हो। हर एक स्केच कार्ड में फिलहाल मेरे को 10-10 रुपीस मिल रहा है। सिंपल से स्केच कर लेता हूं गाइस, इससे बूम मेरे को 10 रुपीस मिल गया। उसके बाद आपको बताया गया कौन से यूपीआई पे लेना चाहते हो, आप अलग यूपीआई कुछ भी दे सकते हो। एंड ऊपर में नोटिफिकेशन भी आ गया, जैसे मैं टैप किया ऊपर में मेरा फोन पे का यूपीआई डाला था गाइस, इससे बूम फोन पे में मेरे को 10 रुपीस मिल गया। मैं जब अपना पॉकेट से बस इतने थोड़ा सा 500 रुपीस इस पॉकेट से उठाया, इस पॉकेट पे रख दिया, इसी पॉकेट पे रख दिया एंड मेरे को इसीलिए 10 रुपीस मिल गया। इसी तरीके से आप लोग अनलिमिटेड टिक को बहुत आराम से दोहरा सकते हो। आप लोगों को कैसे, आपको अगेन बार बार क्लोन करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक तो क्लोन ना ही लिए हो, ठीक है, आप क्लोन का जो है उसको क्लियर डाटा कर दो, क्लोन का क्लियर डाटा कर दो, फिर आ जाओ न्यू मोबाइल दे के साइन अप कर लो। एंड उसके बाद स्टूडेंट एनी टाइम एक आपके सामने सिंपल एक टीचर आईडी होना चाहिए, बाकी जितना भी बनेगा उसका सारे के सारे स्टूडेंट आईडी बनेगा। इस बार मैं स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ राम। ओके, आप अच्छे से देख लो, सिंपल स्टूडेंट हो गया। एंड फिर आप आ जाओ टीचर आईडी पे, स्टूडेंट आईडी एक सेकंड के अंदर क्रिएट हो गया। आप आ जाओ टीचर वाला आईडी पे, टीचर वाला आईडी पे आने के बाद हमने तो यूपीआई एक बार ही ऐड करना होगा, यूपीआई ऑलरेडी मेरा एडेड है। सिंपल से ऊपर का जो कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट वाला आईडी पे, इसको पेस्ट कर देता हूँ, सारे हटा देता हूँ एंड ऊपर में फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगी जो यहाँ पर ज्वाइन हो गया। एंड साइड पर आप लोग देख सकते हो नाम आ गया जो राम वाला बंदे ने ज्वाइन करने के लिए बता रहा है। सिंपल से मैं क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद देखो बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, उसमें मिडिल का ऑप्शन रहेगा फीस। फीस पर क्लिक करने के बाद आप 500 से ऊपर कुछ भी अमाउंट भेज दो, मतलब कि रिक्वेस्ट कर दो। सिंपल सा मतलब कि एक यूपीआई जैसा ऑफर है, आपको सिंपल से यूपीआई में मनी ट्रांसफर कह रहे हो उसके लिए आपको स्केच कार्ड मिल रहा है। ठीक, तो मैं 517 रुपीस इस बार दे देता हूँ एंड मैं आ जाता हूँ अपना स्टूडेंट वाला आईडी पे एंड ऊपर में नोटिफिकेशन भी आ गया एंड मेरे को बता रहा है 517 रुपीस पे करने के लिए। अब बस किसी भी मेथड के थ्रू इसको पे कर दो एंड इसी वाला आईडी पे मिल जाएगा। इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, बहुत सारा गेटवे आपके सामने आ जाएगा, किसी भी थ्रू पेटीएम वॉलेट के थ्रू किसी भी जगह पे कर सकते हो। लेकिन आपको पहले ही बताया कि मोबीक्विक वॉलेट वर्क कर रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप आओ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। तो चलो 517 रुपीस मैं फिर से अगेन पे कर देता हूँ। इधर जैसे 517 रुपीस मैं मोबीक्विक वॉलेट से पे किया, ऊपर में मेरा फोन पे में नोटिफिकेशन आ गया जो इंस्टेंट आपका जो यूपीआई मैंने डाला था इंस्टेंट मतलब चुटकी बजा के घुस जा रहा है। देख सकते हो 500 पहले 10 रुपीस मेरे को मिला, फिर 517 रुपीस अभी पे किए मिल गया। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ टीचर वाला आईडी पे एंड देखते एक और बूम एक और स्केच कार्ड मेरे को मिल गया, इसको मैं स्केच लेता हूँ अगेन 10 रुपीस। बस सिंपल से एक टैप करूंगा एंड ऊपर मेरे से बूम एक और 10 रुपीस मेरे को मिल गया। तो टोटल आप फोन पे का मेरे सारे का सारे ट्रांजेक्शन अच्छे से देख लो, पहले का
मेरा यूपीआई मैंने दूसरा डाला था, मतलब कि 1000 रुपये का यूपीआई मैंने दूसरा डाला था, उसको तो मैंने चेंज आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने चेंज कर दिया। ठीक, तो पहले देखो 10 रुपये घुसा एक स्क्रैचर जो फ्री फोकट में मिला, फिर 517 रुपये मैंने रिक्वेस्ट भेजा था, 517 रुपये इंस्टेंट घुस गया इस बस यूपीआई में मनी ट्रांसफर करने के लिए, और 10 रुपये मेरे को मिल गया। इसी तरीके से फिर से आप आ जाओ क्लोन वाला का जो स्टूडेंट वाला आईडी है, स्टूडेंट वाला आईडी पे आप फिर क्लियर डाटा कर दो, एंड इसी तरीके से आप लोग अनलिमिटेड स्क्रैच कार्ड अर्न करते जाओ, आप तो 30,000 रुपये तक आप लोग अर्न कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी लूट आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो अगर कई बार पे थोड़ा सा भी आपको पसंद आएगा, थोड़ा सा भी पसंद आएगा वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हुआ तो वहाँ सब्सक्राइब जरूर कर दो, नोटिफिकेशन बिल्कुल मस्ट नोटिफिकेशन बिल्कुल आप लोग नहीं दबाते हो क्योंकि लूट सो भर से सब लिमिटेड टाइम से चलता है, नोटिफिकेशन मस्ट ऑन करो। मैं नोटिस तब तक ऑनलाइन हेलो भाई।